म्यूजिक एल्बम दर्दे दिल की बीमारी है के 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स होने के शुभ अवसर पर राजधानी रांची के बसाड़गढ़ स्थित श्यामपुर दलान में कलाकारों द्वारा जश्न मनाया गया, जहां केक काटकर उन्होंने अपनी खुशी प्रकट की। इस जश्न के मौके पर आर्टिस्ट रिया कश्यप, रोहित सिंह भोजपुरी, गायिका अदिति राज, अमन सिंह के साथ गुड्डू कश्यप मौजूद थे। इस एल्बम को तैयार करने में काली की टीम का अहम योगदान रहा है। जश्न के बाद रोहित सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमें दर्शकों का अपार प्यार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि दर्शक हमें और इस एल्बम को और अधिक से अधिक प्यार और दुलार दें, जिससे हम आने वाले अपने एल्बम में और अधिक मेहनत कर दर्शकों के सामने अपनी पहचान बना सकें और हमारे एल्बम को इसी तरह प्यार मिलता रहे। हम लोगों की उम्मीद से बहुत ऊपर गया है गाना। हम लोग इतने उम्मीद में नहीं थे। हाँ, मेहनत सभी का था, 100% मेहनत लोगों ने दिया, सारा टीम का बहुत ज़्यादा मेहनत था। और मेहनत के हिसाब से गाना अगर इतने कम समय में इतना अच्छा रीच दिया है, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गाना बहुत जल्द 1 मिलियन हो जाएगा, 10 लाख कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर एक बार और साथ मिलकर इसी तरह से एक छोटा सा प्यारा सा साथ भी एक फैमिली की तरह, एक छोटी सी टीम की तरह हम लोग फिर से एक बार एकजुट होकर सेलिब्रेट करेंगे इस चीज़ को। फिलहाल हम लोग इस एल्बम के बाद एक और छोटा सा है, प्रोजेक्ट्स रेडी हो रहे हैं, होना है, अभी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग टारगेट में किस गाने को और ज़्यादा आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिले, और फिर इसी पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। भोजपुरी गायिका अदिति राज ने कहा कि रोहित सिंह के एल्बम को और प्यार दुलार मिले और हमें खुशी है कि दर्शकों का अपार प्यार इसे मिल रहा है। आज पूरे 1,06,000 पे केक हम लोग काटे हैं, व्यूज हुआ था। रोहित बाबू के सुपरस्टार हमारे रोहित बाबू का ये सॉन्ग था, दर्द दिल की बीमारी है, उस गाना का व्यू 1 लाख मतलब 2 हफ्ता में पहुंचा है सभी लोग का प्यार आशीर्वाद से। तो सभी को दिल से धन्यवाद, जय माता दी। हम चाहेंगे कि ऐसे ही सब लोग देखते रहें और सुनते रहें और इससे ज़्यादा भी प्यार आशीर्वाद दें। वहीं रिया कश्यप ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने व्यूज होंगे। 1 मिलियन होने पर इससे भी बड़े जश्न की तैयारी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें दर्शकों का प्यार हमेशा मिलता रहे। इस जश्न में शामिल सभी लोगों ने न्यूज़विंग टीवी के माध्यम से रोहित सिंह और रिया कश्यप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इसी तरह भोजपुरी समाज का नाम आगे बढ़ाते रहें। इतनी की तो उम्मीद नहीं थी एक्चुअली इतने कम समय पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद था कि बहुत जल्दी ये 1 लाख प्लस होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि 100K प्लस हो चुका है और इससे भी ज़्यादा ग्रैंड पार्टी होगा अगर 1 मिलियन होगा तो। और ये सब अगर हो पाया तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एंड आप लोगों के प्यार की वजह से। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। हम तो बहुत खुश हैं, मेरा पहला गाना है, इतना 1 लाख व्यू पार कर गया है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम और मज़ा आ रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है अच्छा खासा और अच्छा लग रहा है। और मैं अगर ऐसा ही लोगों का प्यार मिला तो और आगे भी आते रहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है और वीडियो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से दर्शक का प्यार मिलता है। गाना तो बहुत बढ़िया था और 1 लाख ये व्यू अभी पार कर चुका है और बहुत ही बढ़िया गाना था। और ये उम्मीद है कि ये जल्द ही 10 लाख व्यू हो जाएगा। ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसे ढेर सारा प्यार दे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हिंदी फिल्म हिंदी गाने के प्रति झुकाव था, बस जो मिठास भोजपुरी में है वो तो हिंदी में तो मिल ही नहीं सकता है, इसलिए भोजपुरी की तरफ अभी पब्लिक का काफ़ी झुकाव हुआ है। और हमको अच्छा लगा कि ये फोरम में सभी कलाकार लोग आते हैं, मिलते हैं और ये सब के कारण सभी लोग, पहले हम हिंदी भोजपुरी बहुत कम देखते थे लेकिन अभी भोजपुरी से इतना लगाव हो गया कि गाड़ी में भोजपुरी गाना सब लेकर सुनते रहते हैं। और जैसे इन लोग का 1 लाख व्यूअर हुआ है, अभी 1 मिलियन व्यूअर के लिए शुभकामना हम देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि लोग आगे बढ़े। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, those who are leaving the town and going outside for you know studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online, I got through all the reviews and everything, then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn you know this thing. I started coding because we can
मेक आवर थॉट्स रियल. वी कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर. व्हाइट हैट जूनियर इज हेल्पिंग मी टू क्रिएट अ वेब ब्राउजर. एंड आई थिंक ऑन दिस पार्ट व्हाइट हैट इज एक्चुअली लीडिंग यू नो ऑन दिस कोडिंग प्लेटफॉर्म. इट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड वन शुड इम्प्लीमेंट इन एवरी स्कूल.